नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने चला तुरुप का इकार। राजधानी की अवैध कॉलोनियों को वैध करने वाले बिल को हरी झंडी दिखाई है। सरकार के मुताबिक दिल्ली में कुल 1797 अवैध कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 40 लाख लोगों को केंद्र सरकार की इस पहल का लाभ मिलेगा। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इन अवैध कॉलोनियों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली रिफॉर्म एक्ट के सेशन 81 के तहत दर्ज सभी केसों को भी वापस लिया जाएगा। उपराज्यपाल ने राजधानी के 79 गांव के शहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। That which was announced is now being approved by the cabinet. उसके लिए जो भी पार्लियामेंट में करना है वो करेंगे। वाराणसी की काशी विद्यापीठ में नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी से जुड़े छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा और बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन करने के बाद दोनों संगठनों के कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहे थे, तभी एबीवीपी और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प हो गई। ये मामला इतना बढ़ गया कि फौरन वहां पुलिस पहुंची और मारपीट पर उतारू दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं को अलग करने की कोशिश में जुट गई। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कुछ दूर जाते ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान एक पुलिस वाले को चोटें भी आईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो उस गाड़ी पर बैठ गए और उसे जलाने की कोशिश में जुटे कार्यकर्ताओं पर भड़क उठे। पथराव के दौरान समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वहां से दौड़ा दिया। लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस इस हंगामे पर काबू नहीं कर पाई, क्योंकि दोनों संगठनों के छात्र पीछे हटने के बजाय एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। हालांकि पुलिस लगातार कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश में जुटी रही। इसी बीच दूसरी तरफ से भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर पथराव शुरू हो गया। इस बीच सड़क किनारे दोनों संगठनों के कुछ कार्यकर्ता एक दूसरे से मारपीट करते दिखाई दिए, जिनके बीच बचाव में पुलिस को उतरना पड़ा। इस हंगामे में वहां पास में मौजूद एक होटल के मुख्य दरवाजे के शीशे भी टूट गए। जितने प्रकरण हुए हैं सब में मुकदमा लिखा जाएगा और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और जमकर नारे भी लगाए, जिसके बाद ही दोनों संगठनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में भारी बर्फबारी की वजह से कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गई, जिनको निकालने के लिए सड़क से बर्फ हटाने का काम तेज किया गया, क्योंकि पूरे इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से ज्यादातर सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई और गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई, जिनमें सामान लेकर जा रहे कई ट्रक भी शामिल थे। बाद में एक मशीन की मदद से बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया और बर्फ में फंसी गाड़ियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। हालांकि अब भी कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हैं और कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। सड़कों से बर्फ को हटाने का काम काफी तेज कर दिया गया है और आपको बता दें कि बर्फ में कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। लगातार हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है और रोहतांग पास में इस वक्त बर्फ को हटाने का काम जारी है। कई कई फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिससे आवाजाही भी प्रभावित हुई है। यूपी के मेरठ में एक ढाबे पर खाना खा रहे एक लड़के की कुछ लोगों ने डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि पुरानी रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें ढाबे पर खाना खा रहे एक लड़के पर कुछ लोगों ने पीछे से हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से लड़का बिल्कुल भी संभल नहीं पाया और उस पर हमलावर डंडों से टूट पड़े। मार खा रहे लड़के ने अपने दोनों हाथों को आगे कर डंडों से किए जा रहे वार को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। इसी तरह लड़का लड़खड़ाते हुए ढाबे से बाहर आते ही जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद हमलावरों ने लड़के की पिटाई और तेज कर दी। इस पिटाई को देख वहां पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, मगर किसी ने भी हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की। बेखौफ हमलावरों में कोई उसके सिर पर डंडे बरसाता दिखा तो कोई उसके हाथों और पैरों पर डंडों से वार करता नजर आया। हालांकि कुछ देर बाद एक आदमी ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों के सिर पर मानो जैसे खून सवार था और उन्होंने लड़के को बुरी तरह से पीटना जारी रखा। हद तो तब हो गई जब बुरी तरह से जख्मी हो चुके लड़के को हमलावरों ने जाते जाते भी कई बार डंडों से पीटा। इन हमलावरों में एक ने तो ढाबे पर रखी एक मोटी लकड़ी को उठाकर जख्मी हो चुके लड़के पर कई बार की। इस हमले में बुरी तरह से घायल हो चुके लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी की बैठक में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर सहमति बन गई है। खबर है कि पहले शिवसेना और उसके बाद एनसीपी का सीएम होगा, जबकि डिप्टी सीएम का पद कांग्रेस को मिलेगा। इसके अलावा तीनों दलों के विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्री पद दिया जाएगा।
चर्चा है कि शिवसेना के 16, एनसीपी के 15 और कांग्रेस के कोटे से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बड़ी घोषणा होगी। आज एक बार फिर एनसीपी और कांग्रेस के नेता बैठक करेंगे। दो दौर की बातचीत हुई है कांग्रेस और एनसीपी के बीच, और इस बैठक के दौरान शिवसेना से भी चर्चा हुई है, संपर्क हुआ है। क्या आगे, कब तक सरकार? एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में हुई है, साथ ही में हम शिवसेना के नेताओं से भी संपर्क पर थे। हमारी वार्ता समाप्त हुई है। 10 बजे के करीब कांग्रेस अलग से जी, एनसीपी अलग से बैठेगी। 2 बजे हम दोनों साथ में बैठेंगे और शाम तक हम सब मुंबई जाएंगे। मुंबई में शिवसेना के नेताओं के साथ अंतिम चर्चा होगी और शाम तक मैं समझता हूँ कि पूरी सरकार बनाने की पूरी जो आर्किटेक्चर बनेगा उसका पूरा का पूरा ऐलान कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 घंटे आप लोग बैठे और तमाम पहलुओं पे आप लोगों ने चर्चा की है। पावर शेयरिंग क्या होगा, इस बारे में भी चर्चा हुई? तो सोनिया गांधी ने पूरा ओके कर दिया है। परसों शाम को पूरी घोषणा होगी। बीच में हम पीसमील तरीके से कुछ नहीं बताएंगे। आप जितना भी पूछिए या कोई अटकलें लगाए कि कोई रूमर्स घूम रही है, ये हो गया वो हो गया, कोई सच नहीं है। ये पूरी की पूरी अधिकृत घोषणा परसों शाम को होनी। क्यों? हांगकांग में चीन के दखल के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों ने पुलिस की चेतावनी के बाद सरेंडर कर दिया। हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में हिंसक प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों को पुलिस ने गोली मारने की चेतावनी दी थी, और इस चेतावनी के साथ ही पुलिस ने यूनिवर्सिटी के अंदर धावा बोल दिया। पुलिस के घुसने की खबर मिलते ही अंदर मौजूद छात्रों में हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी की ऊपर की मंजिल पर जो छात्र थे उन्होंने वहां से कुछ रस्सियां नीचे लटकाई, फिर एक एक कर छात्र उन रस्सियों के सहारे उतरने लगे। पुलिस की चेतावनी से वो लोग इतना डर गए कि बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के उन्होंने रस्सियों की मदद से उतरना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोग तो गिरने से बाल बाल बचे। रस्सियों के सहारे सभी प्रदर्शनकारी एक फ्लाईओवर पर उतरे। वहां पहले से कुछ बाइक सवार मौजूद थे जिनमें बैठकर कुछ लोग वहां से निकल गए, जबकि कुछ ने वहां से पैदल भागने में ही भलाई समझी। इस तरीके से कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे चढ़ने से बच गए, लेकिन बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। यूनिवर्सिटी के अंदर मची भगदड़ में कुछ छात्रों ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी ये कोशिश भी नाकाम कर दी। खुद को पुलिस से घिरा देखकर कुछ छात्र इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सबको धर दबोचा। और हांगकांग पुलिस ने दावा किया कि उसने यूनिवर्सिटी के ज्यादातर हिस्से को प्रदर्शनकारियों के कब्जे से आजाद करवा लिया, लेकिन इससे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने के लिए पुलिस को काफी पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पुलिस के घुसने की खबर मिलते ही प्रदर्शनकारियों ने वहां विरोध तेज कर दिया। पुलिस उन तक न पहुंच पाए इसलिए यूनिवर्सिटी के अंदर रखे फर्नीचर में आग लगा दी गई। आग को बुझाकर पुलिस आगे बढ़ने लगी तो कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी के अंदर बनी सीवर लाइन से भागने की कोशिश की। हालांकि सीवर लाइन संकरी होने की वजह से प्रदर्शनकारी वहां से भी नहीं भाग पाए। कुछ ही देर में पुलिस उन तक पहुंच गई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले पुलिस की कार्रवाई के डर से कुछ छात्रों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। We have been trying to escape since yesterday morning, but then we couldn't find a way out. बताया गया कि यूनिवर्सिटी के अंदर बीते एक हफ्ते से 600 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर को या तो वहां से खदेड़ दिया गया या फिर हिरासत में ले लिया गया। सरकार ने बुधवार को घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 1.2 लाख टन प्याज आयात करने के खाद्य मंत्रालय के निर्णय को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने 16 नवम्बर को कहा था कि सरकारी कंपनी MMTC के जरिए 1 लाख टन प्याज का आयात करेगी। सरकार ने प्याज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए निजी आयात को भी मंजूरी दी है। प्याज उत्पादन में 26% गिरावट के कारण ये संकट उत्पन्न हुआ है। सरकार ने आयात सुनिश्चित करने के अलावा निर्यात को प्रतिबंधित करने, भंडार की सीमा तय करने समेत कई कदम उठाए हैं। The cabinet also has given approval for import of 1.2 lakh metric tons of onion. कई महीनों से मंदी की मार झेल रहे ऑटो सेक्टर के लिए राहत की खबर है। गाड़ियों की बिक्री पर नजर रखने वाली एजेंसी FADA की एक रिपोर्ट के मुताबिक त्योहारों की वजह से अक्टूबर के महीने में कारों की बिक्री 11% तक बढ़ गई। पिछले महीने करीब 2.5 लाख कारों की बिक्री हुई, जबकि अक्टूबर 2018 में यह आंकड़ा 2.25 लाख के करीब था। वहीं अक्टूबर में मोटरसाइकिलों की बिक्री भी 5% बढ़ गई। बताया गया कि अक्टूबर के महीने में करीब 13.5 लाख मोटरसाइकिलें बेची गई, जबकि पिछले साल अक्टूबर में करीब 13 लाख मोटरसाइकिलें बिकी थी। FADA ने बताया कि अक्टूबर में देश में गाड़ियों की कुल बिक्री में 4% की बढ़ोतरी हुई और इस दौरान 17 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची गई।
पश्चिमी एशिया के लेबनान में सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र होने की वजह से वहां की संसद को बंद करना पड़ा। आर्थिक हालात खराब होने के बाद वहां बीते एक महीने से प्रदर्शन चल रहे हैं, जिनकी वजह से वहां के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन पीएम के इस्तीफे के बाद भी लेबनान की राजधानी बेरूत में बवाल नहीं थमा। वहां प्रदर्शनकारियों ने संसद के सत्र में शामिल होने जा रहे एक सांसद की गाड़ी को घेर लिया। फिर कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। किसी ने सांसद की गाड़ी पर बोतल फेंक कर मारी तो किसी ने हेलमेट दे मारा। सांसद के ड्राइवर ने गाड़ी में रिवर्स गियर लगाते हुए तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। भीड़ से बचने के लिए सांसद के सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इस हंगामे के बाद संसद का सत्र टालना पड़ा। संसद ठप करने की एक वजह यह भी रही कि सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी उसके बाहर पहुंचे और हंगामा करने लगे। पुलिस ने सड़क पर कंटीले तार बिछाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। हंगामा कर रहे लोगों ने बिगड़े आर्थिक हालात पर गंभीर चिंता जताई और सरकार को जल्द हालात दुरुस्त करने की चेतावनी दी। दिल्ली लखनऊ रूट पर चलने वाली देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस एक सांड की वजह से लेट हो, जिससे IRCTC को हजारों रुपए का चूना लग गया। बताया गया कि सोमवार को दिल्ली से लखनऊ पहुंची तेजस एक्सप्रेस के 604 यात्रियों को 100 रुपए के हिसाब से करीब 60,400 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेन अपने तय समय से करीब सवा घंटे की देरी से लखनऊ पहुंची थी। बताया गया कि जिस रूट पर तेजस एक्सप्रेस चल रही थी, उसी रूट पर उसके आगे चल रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के इंजन से एक सांड टकरा गया था। सांड की टक्कर के बाद इस रूट पर ट्रेनों को कुछ देर के लिए रोक दिया गया, जिसकी वजह से तेजस एक्सप्रेस देर से लखनऊ पहुंची। देरी की वजह से मिलने वाले मुआवजे के लिए यात्रियों को IRCTC की वेबसाइट पर जाकर PNR नंबर के साथ अप्लाई करना होगा। कोलकाता की बेंटिंक स्ट्रीट में एक इमारत से नोटों के बंडल गिरने से हड़कंप मचा। बताया गया कि इमारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों ने छापा मारा था, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने खिड़की से नोटों के बंडल नीचे फेंके। ऊपर से नोट गिरते देख इमारत के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि इमारत का गेट बंद होने की वजह से बाहर मौजूद लोग अंदर नहीं आ पाए, लेकिन इमारत के अंदर मौजूद लोगों में ऊपर से गिर रहे नोटों को लूटने की होड़ मच गई। नोट गिरने की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और 3 लाख रुपए के नोट जब्त कर लिए। दुबई में चल रहे एयर शो में दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक रेसिंग प्लेन को लोगों के सामने पेश किया। इसे बनाने वाली कंपनी ने बताया कि ये प्लेन अगले साल होने वाली छोटे विमानों की रेस में हिस्सा लेगा। लेकिन उससे पहले एयर रेस ई नाम की कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक रेसिंग प्लेन को दुबई एयर शो में लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया का पहला रेसिंग प्लेन है जो पूरी तरह बैटरी से उड़ता है। This is a really, really exciting moment for us. We're here at the Dubai Air Show to showcase the first ever electric race plane. इस छोटे इलेक्ट्रिक रेसिंग प्लेन को बनाने में यूरोप की विमान कंपनी एयरबस भी मदद कर रही है। बताया गया कि एयर रेस ई नाम की कंपनी एयरबस की मदद से ऐसे कई छोटे इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने में जुटी है। By nurturing this race, we help building up a whole ecosystem around electrification with solutions that then later on can be picked up by our urban air mobility or even scaled by our bigger Airbus airplanes. कंपनी ने बताया इस रेसिंग प्लेन में 100 किलो वजन वाली लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है, जिसकी मदद से ये प्लेन 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। हालांकि ये विमान ज्यादा ऊंचाई पर और लंबे वक्त के लिए उड़ान नहीं भर सकता। चीन के नानचैंग शहर में सैकड़ों ड्रोन की मदद से आसमान में एक विमान की आकृति बनाई गई। वहां बीते कुछ दिन से एयर शो चल रहा था, जिसके समापन समारोह को खास बनाने के लिए इन ड्रोन की मदद ली गई। इस बीच वहां हजारों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने आसमान में चकमगाते ड्रोन से बनी विमान की आकृति को देखा। इससे पहले एक एक कर सभी ड्रोन उड़ाए गए और फिर उनसे एक विमान की आकृति बनाई गई। इसके बाद इन्हीं ड्रोन की मदद से एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट की आकृति भी बनाई गई। तो ड्रोन की मदद से यहाँ पर आकृति बनाई गई। दरअसल आसमान में एक साथ 800 ड्रोन देखे गए और हेलीकॉप्टर की आकृति को काफी पसंद भी किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राज्यपाल जगदीप धनखड़ को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। राज्य सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर नहीं मिलने के बावजूद राज्यपाल सड़क के रास्ते ही मुर्शिदाबाद गए, लेकिन जैसे ही उनका काफिला मुर्शिदाबाद पहुंचा, सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग उन्हें काले झंडे दिखाने लगे, उनके खिलाफ नारे लगाने लगे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का विरोध कर रहे लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी जिन पर गवर्नर गो बैक लिखा था। इस बीच वहां तैनात पुलिस नारेबाजी कर रहे लोगों के सड़क से हटाती हुई नजर आई। राज्यपाल ने विरोध कर रहे लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ये घटना तब घटी जब राज्यपाल मुर्शिदाबाद में एक गर्ल्स कॉलेज की नई इमारत का उद्घाटन करने जा रहे थे। बताया गया कि राज्यपाल को काले झंडे दिखाने वाले लोग टीएमसी समर्थक थे। हेलीकॉप्टर वाला भी सड़क पर हो सकता है, चाहे हवा में हो। मैं सड़क मार्ग से आया हूँ और बहुत अच्छा लगा है यहाँ की बच्चों की आंखों में चमक देखकर। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।